बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, अब तो मुझे जेल से जब बाहर आया हूँ, मुझे वक्त मिल गया है तहकीकात करने का, तो मुझे अब ये एक मुनज़्ज़म साजिश नज़र आई है जिसके तहत जलाई गई हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये कोर कमांडर का घर जलाया गया है, जो भी मुझे पता चला है कि तकरीबकारों को बीच में डाला गया बंदूकें लेके, उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिया, हमारे पास अब वीडियो एविडेंस है इसकी। मैं ये चाहता हूं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। कभी भी जज फैसला नहीं करता जब तक वो दोनों तरफ ना सुने। इस वक्त वन साइडेड बयानियां चल रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और वो ये जो सारे माफिया बैठा हुआ है जिन्होंने फायदा उठाया, जिन्होंने बल्कि जिस तरह मुझे पकड़ा गया, फौज मुझे पकड़ के लेके जा रही है, और जिस तरह पकड़ा गया उसका जो रद्द अमल आना था उसका फायदा उठाते हुए सारा नजला तरीके इंसाफ के ऊपर गिराया है, जो कि और लोग थे करने वाले। और जब भी इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, हमारे पास वीडियोस हैं जो लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने प्लान तरीके से ये सारा किया। जिस पार्टी ने 27 साल कभी किसी किस्म का इंतजार नहीं किया, जिस पार्टी ने जब उसके चेयरमैन को गोलियां लगती है कत्ल करने के लिए, तब भी हमने तो कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई जलाओ घराव नहीं किया, जबकि मैंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम भी दिया, तब तो कुछ नहीं हुआ। तो ये अब एकदम क्या हुआ? ये प्लान है, प्लान था पहले से, लंदन प्लान, तहरीक इंसाफ को बैन करना है, इमरान खान को जेल में डालना है, इनके लोगों को हरासा करके जेलों में डालना है, खौफ सदा करना है ताकि कोई निकले ना, ये है प्लान। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं, आपको ना तारीख का पता है, ना आपको सियासत का पता है, ना आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान में हुआ क्या, क्योंकि मुझे याद है क्या हुआ, कैसे ही कोशिश की गई सबसे बड़ी जमात से और मुल्क को तबाही की, मुल्क को तोड़वा दिया गया, आज उससे भी खतरनाक कोशिश की जा रही है। तो मैं सारी अपनी कौम को कहता हूं कि इस साजिश को आपने शिकस्त देनी है। पुरअमन एहतजाज करना आपका आईनी हक है, हम भेड़ बकरियां नहीं है। हम ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने खौफजदा हो जाएं कि ये जो मर्जी करें हम बस सहमे बैठे रहे कि जी हमें जेल में ना डाल दें। मेरी कौम गौर से सुन लो, ये है वक्त अपनी हकीकी आजादी लेने का, इसको जाया ना करना, आगे ऐसा वक्त नहीं आएगा। शुक्रिया।